आज हम अध्याय 7 बादल नाम कविता पढ़ रहे हैं। कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन्हें छायावादी कवि कहा जाता है, छायावादी कवि है और छायावाद के रुद्र जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश देव देवता है, तो इन्हें महेश रुद्र के रूप में माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी पढ़ चुके हैं, जयशंकर प्रसाद जी छायावादी ब्रह्मा कहलाते हैं, छायावाद के प्रवर्तक है, उसे हमने ब्रह्मा कहकर संबोधित किया। और ये निराला जी छायावादी रुद्रीश कहलाते हैं। तो इस कविता का भावार्थ ग्रहण करने से पहले दो तीन बातें हमें समझ लेना बहुत आवश्यक है। हम अगर ध्यान से देखें पंक्तियों को तो कोई पंक्ति बहुत बड़ी, कोई पंक्ति बहुत छोटी नजर आ रही है। आगे लगातार देखो, कोई पंक्ति बहुत बड़ी तो कोई पंक्ति बहुत छोटी नजर आ रही है, कोई बड़ी कोई छोटी। तो हम देख कर समझ गए कि यहाँ किसी भी अलंकार का प्रयोग नहीं है। तो पहली बात होगी छायावादी, लेकिन फिर भी इस कविता में हमें प्रकृतिवाद की भी झलक मिलती है। प्रकृतिवाद वहां होता है जहां शोषण क्रांति की बात हो, तो यहाँ भी कविता में शोषण की बात है। तो छायावाद से संबंधित, लेकिन फिर भी इसमें हमें प्रगतिवाद की भी झलक देखने को मिलती। इस कविता में कवि ने बादलों का आह्वान किया है, बादलों को पुकारा है कि आप आइए, और आप जब गर्जना करेंगे तो आपकी गर्जना से जो शोषित और पीड़ित लोग हैं वे शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे, उनकी पत्नियों के विरुद्ध वो क्रांति करेंगे और अपने अधिकार प्राप्त करेंगे, शोषण से उनको मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उनको प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए बादलों का आह्वान किया है कि आप आइए और गर्जना कीजिए। उसके अलावा ये भी कहा कि आप बिजली गिरा दें। बिजली गिराने से क्या होता है कि बड़े बड़े पेड़ हैं वो जो नष्ट हो जाते हैं, और उनके नीचे जो छोटे छोटे जो पौधे हैं उन्हें फिर सूर्य का प्रकाश, खनिज लवण, जल ये सब पर्याप्त मात्रा में मिलने लग जाते हैं और वे वृद्धि करते हैं, उन्हें वृद्धि का अवसर मिलता है। अर्थात यहाँ बड़े वृक्ष पूंजीपतियों को कहा, छोटे पौधे शोषित और पीड़ित लोगों को, जो पीड़ित लोगों को बढ़ने का मौका मिलेगा, वे उन्नति करेंगे। और इसके पहले पूंजीपतियों का विनाश होना आवश्यक। बादलों का आह्वान शोषित और पीड़ित लोगों में उत्साह का संचार करने के लिए, उन्हें क्रांति का संदेश देने के लिए इस कविता में कवि ने बादलों को पुकारा है, बादलों का आह्वान किया है। देखिए क्या कह रहे हैं बादलों को। टिटी है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। टिटी है समीर
समीर सागर, समीर कहते हैं वायु को और वायु की तुलना सागर से कर रहे हैं, तो यहाँ पर समीर सागर की रूपक अलंकार है। तो जब बात कर चुके हैं जिसकी तुलना जिससे करते हैं, अगर के बीच में कोई नहीं होता है तो आरोप पहली बात हो चुकी है। समीर सागर वायु रूपी सागर अर्थात वायुमंडल, वायु रूपी सागर का मतलब क्या हुआ? ऐसा सागर जिसमें बहुत सारी वायु हो, इसका मतलब वायु तो क्या करता है, बादल को पुकार करती है कि हे बादल तुम वायु रूपी सागर पर अर्थात इस वायुमंडल में तैरते रहते हो। कभी बादल यहाँ होते हैं, कभी तैरते हुए वहां पहुंच जाते हैं। तो बादलों से कहा जा रहा है हे बादल तुम इस वायु रूपी सागर पर अर्थात इस वायुमंडल में तैरते रहते हो। तुम्हारे तैरने से क्या होता है आगे बताया है, अस्थिर सुख तुम्हारे दुख की छाया, तुम्हें देखकर किसके सुख अस्थिर हो जाते हैं और जो दुख दुखी हो जाते हैं कौन, पूंजीपति। पतियों के अस्थिर सुखों पर दुखों की छाया गिराते हुए, पतियों के अस्थिर सुखों पर दुखों की छाया गिराते हो, अर्थात पूंजी पतियों के सुख स्थिर हो जाते हैं और वे दुखी हो जाते हैं। जैसे ही तुम दिखाई देते हो, जैसे ही तुम वायुमंडल में तैरते हो, तो पूंजीपतियों के सुख तो अस्थिर हो जाते हैं और वे बहुत दुखी हो जाते हैं। तो दुखों की छाया गिराते हो, उनके सुखों को तो अस्थिर कर देते हो और दुखों की छाया उन पर गिराते हो, अर्थात वे दुखी हो जाते हैं। अब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पूंजीपति जानते हैं कि ये बादल शोषित और पीड़ित लोगों को क्रांति का संदेश देंगे और जो पीड़ित और शोषित लोग हमारे विरुद्ध क्रांति कर देंगे तो हमारे सुख अस्थिर हो जाएंगे और हमारे सामने दुख ये बादल तुम वायु की सागर पर तैरते हो, अर्थात वायुमंडल में तैरते हो और पूंजी पतियों के अस्थिर सुखों पर दुखों की छाया गिराते हो, पूंजी पतियों के अस्थिर सुखों पर दुखों की छाया गिराते हो, अर्थात उनके सुख अस्थिर हो जाते हैं और वो दुखी हो जाते हैं। जग के यानी संसार के दग्ध हृदय यानी पीड़ित का शोषित दग्ध हृदय का अर्थ है पीड़ित या शोषित लोग। इस संसार के जो पीड़ित या शोषित लोग हैं क्या करते हैं, निर्दय दयाहित विप्लव यानी क्रांति प्राप्त यानी भरी हुई लाभित यानी भरी हुई माया
संसार की पीड़ित और शोषित लोगों की संसार की पीड़ित या शोषित लोगों के हृदय पर दया रही या निर्दयी भी लिख सकते हैं, निर्दयी क्रांति से भरी हुई दिलाते हो, अर्थात उन्हें क्रांति का संदेश देते हुए। इसलिए क्या है, अर्थात पीड़ित और शोषित लोगों को क्रांति का संदेश देते हुए। बादल तो संसार के पीड़ित या शोषित लोगों के हृदय पर निर्दयी क्रांति से भरी हुई माया गिराते हो, अर्थात पीड़ित और शोषित लोगों को तुम क्रांति का संदेश। यह भी किसे कहा गया है, क्रांति युद्ध रूपी नाम किसे कहा है, क्रांति यहाँ भी रूप अलंकार है। युद्ध को एक नाव के समान बताया था, तरी यानी नाव, रण युद्ध रूप अलंकार है। क्या कहा है, यह तुम्हारी युद्ध रूपी नाव आकांक्षाओं से भरी है, अर्थात क्रांति के पीछे दुष्कृषित और पीड़ित जी पत्तियों के विरुद्ध क्रांति करते हैं, उस क्रांति के पीछे उनके मन में उनके हृदय में कुछ आकांक्षाएं होती है, कुछ इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए भी वो क्रांति करते हैं। यह तुम्हारी रूपी नाम आकांक्षाओं से भरी है, अर्थात पीड़ित और शोषित लोग क्रांति करते हैं, उस क्रांति के पीछे उनके कुछ इच्छाएं कुछ आकांक्षाएं होती है, और इच्छाओं को पूरी करने के लिए और आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए भी वो पूंजीपतियों के विरुद्ध क्रांति करते। देखो बादल वायु रूपी सागर पर अर्थात इस वायुमंडल में तैरते रहती हूँ, पतियों की ऐसी शिखरों पर दुर्गंधी छाया बिराते हो, अर्थात तुम्हें देखकर पूंजी पतियों के सुख अस्थिर हो जाते हैं और वो दुखी हो जाते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछो क्यों, तो बता सकते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि बादल छा गए हैं तो ये शोषित और पीड़ित लोगों को हमारे विरुद्ध क्रांति करने का संदेश देंगे, और वो हमारे विरुद्ध जब क्रांति करेंगे तो हमारे सुख स्थिर हो जाएंगे और हम दुखी हो जाएंगे, हमारे सामने दुख आ जाएंगे, तो ऐसा सोचकर वो दुखी हो जाते हैं। संसार के पीड़ित या शोषित लोगों के हृदय पर, संसार की पीड़ित या शोषित लोगों के हृदय पर निर्दयी क्रांति से भरी हुई माया गिराते हो, अर्थात पीड़ित और शोषित लोगों को तुम क्रांति का संदेश देते हो। यह तुम्हारी रूपी नाम आकांक्षाओं से भरी है, अर्थात पीड़ित और शोषित लोग जो क्रांति करते हैं उसके पीछे उनकी कुछ आकांक्षाएं और इच्छाएं होती है, जिन्हें पूरी करने के लिए जिन्हें प्राप्त करने के लिए वो क्रांति करते हैं। पागल से मेरी
जैसे एक वाद्य यंत्र होता है, वाद्य यंत्र का नाम ही विधि है, जैसे मृदंग होता है, सहनाई होती है, सितार होता है, वीणा होती है, हारमोनियम होता है, ऐसे ही विधि एक सुश्रीत यंत्र होता है। सुश्रीत का मतलब होता है जिसे फूक देकर बजाया जाता है। लेकिन हमारे मुख में विधि का अर्थ यह है मृदंग, मृदंग को बताया है, ठीक है। मृदंग रूपी गर्जन की गर्जना, हे बालक तुम्हारी मृदंग रूपी गर्जना से सजग यानी जाग जाते हैं, जाग जाते हैं सुप्त यानी सोए हुए, अंकुर यानी अंकुरित हो जाते हैं पूर्वे पृथ्वी के पुर्यानी है, पुर्यानी है। देखो क्या कहा कि हे पागल तुम्हारी मृदंग रूपी गर्जना से पृथ्वी की गुहे में सोए हुए बीज जाग जाते हैं, अर्थात अंकुरित हो जाते हैं। जानते हैं कि जब हम खेतों में बीज बो देते हैं और उस समय अगर बादल होते हैं आकाश में, बादल छा जाते हैं, तो उन बीजों में अंकुरण बहुत जल्दी हो जाता है। इसीलिए उसी बात को लिखा गया कि बादल तुम्हारी मृदंग रूपी गर्जना से पृथ्वी के गुहे में सोए हुए बीज जाग जाते हैं, अर्थात बीज अंकुरित हो जाते हैं। फिर नव जीवन की आशाओं से अपना सिर ऊंचा करके विप्लव की क्रांति, ये क्रांति के बादलों में ताक रहे हैं यानी देख रहे हैं, ताक रहे हैं, देख रहे हैं। ये बीज अंकुरित हो गए और अब वो क्या करते हैं, नव जीवन की आशाओं से अंकुरित हो गए, अब वो चाहते हैं हमें नव जीवन मिला है, तो क्या करते हैं अपना सिर ऊंचा करके एक क्रांति के बादल तुम्हें वो देख रहे हैं। बादलों को क्रांति के बादल क्यों कहा, क्योंकि ये शोषित और पीड़ित लोगों को क्रांति का संदेश देते हैं, इसलिए उन्हें कहा। से देखिए बादल तुम्हारी मृदंग रूपी गर्जना से पृथ्वी के गुहे में सोए हुए बीज जाग जाते हैं, अर्थात अंकुरित हो जाते हैं, और फिर नव जीवन की आशाओं से अपना सिर ऊंचा करके हे क्रांति के बादल वे तुमने देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ कहने का मतलब कभी का ये है, हे बादल तुम जब क्रांति का संदेश देते हो, तुम जब मृदंग रूपी रचना करते हो, तो पीड़ित और शोषित लोग हैं उनमें आशाएं जागृत होती है और वो भी क्रांति करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अर्थात जो सोए हुए थे, जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे, उनमें भी उत्साह का संचार हो जाता है, ऐसे कहना चाहिए। लेकिन आपको कैसे लिखना है, ये बात तुम्हारी मृदंग रूपी गर्जना से पृथ्वी के विधेय में सोए हुए भी जाग जाते हैं, अर्थात वे अंकुरित हो जाते हैं और नव जीवन की आशाओं से अपना सिर ऊंचा करके हे क्रांति के बादल वे तुम्हें देख रहे हैं, अर्थात आप शोषित और पीड़ित लोगों को क्रांति के लिए संदेश देते हो, जागृत कर देते हो। फिर बार बार यहाँ प्रकाश रहता है,
तो बार बार फिर कह दो या बार बार तो बार बार गर्जना करती हूँ और मूसल खाने की मूसलाधार वर्षा करती हूँ। ये बात है तो बार बार गर्जना करती हूँ और मूसलाधार वर्षा करती हूँ। विधेय था लेता संसार सुन सुन यानी तो मुक्ति प्रकाश कौन का और यानी भयंकर वज्र हंकार वज्र हंकार यानी आवाज वज्र हंकार वज्र रूपी आवाज। हे बादल तुम्हारी भयंकर वज्र रूपी आवाज को सुनकर इस संसार के लोग अपना हृदय थाम लेते हैं। हृदय थामने का अचानक बादल जो गर्जना करते हैं गरजते हैं तो कई बार छोटे बच्चे या कई बार हम बड़े भी डर जाते कोई बात है बादल तुम्हारी वज्र रूपी भयंकर वज्र रूपी आवाज को सुनकर इस संसार के लोग अपना हृदय थाम लेते हैं अर्थात भयभीत हो जाते हैं। बिजली गिरा असनी कहते बिजली पात यानी गिरा शापित यानी अभिशाप उन्नत यानी ऊंचे ऊंचे सब सब यहाँ पे प्रवृत्ति प्रकाश लगता है सब सब यानी सैकड़ों ऐसे कैसे लिखते हैं सब दूसरे को ऐसे कैसे लिखते हैं कैसे पढ़ाई हो जाना होता है लेकिन आप ऐसे कैसे लिखते हैं हाँ तो नष्ट हो जाते हैं और अचल यानी स्थिर उनका शरीर स्थिर हो जाता है और कैसे होते हैं वो गगन स्पर्शी जो आकाश को स्पर्श करना चाहते हैं स्पर्धा प्रतियोगिता करते हैं और धीरे वाले बादल तुम्हारे बिजली गिराने के अभिशाप से ऊंचे ऊंचे सैकड़ों वृक्ष अर्थात ऊंचे ऊंचे वृक्ष यहाँ वीर का अर्थ लगाया है आकाश को स्पर्श करना चाहते हैं आकाश से प्रतिस्पर्धा करना चाहते हैं वो धैर्यवान है वे शत-विशत हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं और उनका शरीर भी स्थिर हो जाता है। जब बादल बिजली गिरा देते हैं बिजली गिराने के अनुसार से यानी बादल जब बिजली गिरा देते हैं तो बिजली कहाँ गिरेगी ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल वृक्षों पर जो इतनी तेजी से बढ़ रहे कि आकाश को स्पर्श कर रहे हैं तो ऐसे विशाल वृक्ष क्या हो जाते हैं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं नष्ट हो जाते हैं और बिजली गिरने से उनका शरीर स्थिर हो जाता है नष्ट हो जाता है। वापस से देखिए बादल तुम्हारे बिजली गिराने के अनुसार से यानी तुम जब बिजली गिरा देते हो क्या होता है ऊंचे ऊंचे सैकड़ों वृक्ष जो आकाश को स्पर्श करना चाहते हैं प्रति
वृक्ष पर ध्यान करना चाहते हैं और धैर्यवान है, वृक्ष क्षत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खुद का शरीर भी स्थिर हो जाता है। जो बड़े वृक्ष नष्ट हो जाते हैं, क्या होता है, छोटे पौधे जिनमें भार लघु यानी कम है, जिनमें भार कम है और सबसे अपार, अपार सबसे यानी हरियाली, सबसे यानी हरियाली। छोटे पौधे जिनमें भार कम है और अपार हरियाली है वो हंसते क्यों, क्योंकि बड़े वृक्ष होते हैं वे सूर्य का प्रकाश भी खूब ले लेते हैं, भूमि के जो पोषक तत्व है खनिज लवण इत्यादि है, क्योंकि उनकी जड़ें बहुत गहराई में बड़ी दूरी तक होते हैं होती है, तो जड़ों से अपनी मजबूत जड़ों से बड़ी जड़ों से इस पृथ्वी के खनिज लवण भी ले लेते हैं। तो अब जो छोटे छोटे पौधे हैं उन्हें वो विकसित होने का अवसर ही नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें सूर्य का पूरा प्रकाश नहीं मिलता, इस भूमि के खनिज लवण नहीं मिलते, पानी इत्यादि को बड़े वृक्ष है ले लेते हैं। जानते बड़े वृक्षों के नीचे जो पौधे होते हैं वो अच्छे से विकसित नहीं हो पाते, तो ये बात है, वो बड़े वृक्ष शोषण कर रहे हैं छोटे पौधों का। तो ये कहा गया है कि बादल तुम्हारी बुद्धि गिराने की अपेक्षा से ऊंचे ऊंचे सैकड़ों वृक्ष जो आकाश को स्पर्श करना चाहते हैं प्रतिस्पर्धा करते हैं और धैर्यवान है, वृक्षत विषत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उनका शरीर भी स्थिर हो जाता है और उन्हें नष्ट होते देखकर छोटे पौधे जिनमें वजन कम है, भार कम है और भार निगरानी है वे हंसते हैं। अब यहाँ छोटे पौधों का अर्थ को लगाया गया है कीड़े को शोषित लो और बड़े वृक्षों का अर्थ लगाया है पूंजीपति। और यहाँ जो असली बात है बिजली गिराना है उसका अर्थ लगाया है क्रांति से। तो देखो इसका भाव क्या है, देखो हमने अभी अर्थ ग्रहण किया, भाव क्या है कि हे बादल जब तुम क्रांति का संदेश देते हो तो पीड़ित और शोषित लोग जब क्रांति करते हैं तो उससे पूंजीपतियों का विनाश हो जाता है और पीड़ित और शोषित लोग प्रसन्न होते हैं। ये भाव है, तुम जब क्रांति का संदेश देते हो तो उस क्रांति से पूंजीपतियों का विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं और फिर जो पीड़ित और शोषित लोग हैं वे प्रसन्न हो जाते हैं, हंसते हैं और पौधों की तरह पीड़ित और शोषित लोग प्रसन्न हो जाते हैं, हिल हिल यानी वो हिलते हैं, खिल खिल यानी प्रसन्न होते हैं, खिल खिल का अर्थ है प्रसन्न होना। यहाँ भी गुरु मुक्ति प्रकाश अलंकार है, वे हिलते हैं ठीक है प्रसन्न हो जाते हैं, अपने हाथों को हिलाते हैं और ये बादल तुझे बुलाते हैं, अर्थात पीड़ित शोषित लोग तुम्हारा आह्वान करते हैं कि तुम आकर के उन्हें संदेश दो। विप्लव रव, विप्लव यानी क्रांति और रव यानी स्वर, झूठों का मतलब है वही पीड़ित और शोषित लोग। क्या कहा गया है कि क्रांति ईश्वर से पीड़ित और शोषित लोगों को ही लाभ होता है, क्रांति ईश्वर से पीड़ित और शोषित लोग ही सुख पाते हैं अर्थात उन्हें ही लाभ होता है। आपसे पूछ सकते हैं पंक्ति देकर उपलब्ध और से छोटे हैं शोभा पाते समझाइए, तो पहले तो हम लिखेंगे कभी ये कहना चाह रहे हैं कि क्रांति ईश्वर से छोटे लोग पीड़ित और शोषित लोग भी शोभा पाते हैं अर्थात जब क्रांति करते हैं